यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। वही हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मनोहर सरकार को किसान विरोधी सरकार करार दिया। कुरुक्षेत्र के पीपली में कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे हुड्डा ने कहा कि किसानों को उनकी फसल का पूरा दाम नहीं मिल पा रहा। मक्का और सूरजमुखी सरकार की ओर से तय समर्थन मूल्य से कम दाम पर बिक रहे हैं। किसानों को उनकी फसल का सही दाम दिलाना सरकार की जिम्मेदारी है, जिसे निभाने में सरकार नाकाम है। साथ ही इनेलो और बीएसपी के गठबंधन पर निशाना साधते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि इनेलो के गठबंधन के हालात सभी जानते हैं। चुनाव आने से पहले इनके गठबंधन टूट जाते हैं। बसपा और बीजेपी से इनेलो पहले भी गठबंधन कर चुकी है। साथ ही गठबंधन पर बोलते हुए हुड्डा ने यह भी कहा कि हरियाणा में कांग्रेस को किसी से गठबंधन करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस अकेली चुनाव लड़ेगी अपने दम पर। नियत नहीं है, ये किसान विरोधी सरकार है, जन विरोधी सरकार है। बीएसपी और इनेलो के गठबंधन की जहाँ तक सवाल है, ये कोई पहली दफा थोड़ा ही हुआ है, पहले भी हुआ था। चाहे वो बीएसपी है चाहे बीजेपी है, सब समझ चुके हैं इनेलो के गठबंधन कैसे होते हैं, पोलिंग से पहले टूट जाते हैं। इसका भी यही असर होना है।